खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां आपदा सचिव वर्णावत पर्वत पर भूस्खलन को लेकर पहुंचे। आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि विशेषज्ञ एजेंसी की मदद से प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षात्मक और उपचार कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने भूस्खलन का मलबा और पत्थर आबादी वाले क्षेत्र में न पहुंचे, इसके लिए आधुनिक तकनीक से भूस्खलन के उपचार और रोकथाम के साथ ही सुरक्षा दीवार और रेलिंग बनाकर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था देने की बात की। उन्होंने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा कार्य होने तक खतरे की आशंका वाले स्थानों के निवासियों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भूस्खलन की स्थिति और प्रशासन द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि वरुणावत की तलहट्टी में बफर जोन में खतरे वाले क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है। अपने निरीक्षण के दौरान सचिव आपदा प्रबंधन ने अधिकारियों को खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। परसों रात में लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी पत्थर गिरे हैं और ऊपर भी देखा हम लोगों ने कई जगह अभी होल बने हुए हैं, कुछ पत्थर अटके हुए हैं तो उसके नीचे आने की संभावना बनी हुई है। जब भी बरसात होगी पत्थर नीचे आएंगे, तो अभी हमने रिक्वेस्ट यही किया DM साहब से, SP साहब से कि जो भी नीचे लोग रहते हैं उनको हटा लें, वहाँ कोई न रहे जब तक पत्थर वहाँ पर अटके हुए हैं। और प्रोटेक्शन के लिए तत्काल हम लोग कार्रवाई शुरू करने के लिए एक PSDC को या किसी संस्था को हम आप शासन में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले जाकर देख के आइए आप कि क्या दिक्कत है, क्या समाधान हो सकता है, तो वो हमने देख लिया है। अब एक एक्सपर्ट एजेंसी लगा के हम लोग उसमें सर्वे कराएंगे कि किस तरह से काम किया जाना है। 3-4 प्लान हमारे पास हैं, उस 3-4 प्लान में कौन सा काम कहाँ पे करना है वो हमें डिसाइड करना है, तो हम 2-3 दिन में डिसाइड कर लेंगे उसको। और हमारा प्रयास होगा कि हम जल्दी काम शुरू कर लें इसमें, ताकि किसी प्रकार की फ्यूचर में होने वाली क्षति को रोका जा सके।